दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं एप्पल के A18 प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन के 8 एलीट के साथ। जी हां दोस्तों, ये दोनों प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और आपके पास अगर इस टाइम पे कोई आईफोन है, कोई एंड्रॉयड फोन है, इन दोनों में से कोई भी प्रोसेसर आपके फोन में लगा हुआ है तो दोस्तों आपका फोन फास्ट नहीं सुपर फास्ट है। मैं आपको बताऊंगा इनकी जो मेन चीजें हैं, मतलब जैसे कनेक्टिविटी, गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग, AI की परफॉर्मेंस, मतलब कौन कौन सी चीजों में कौन कौन सा प्रोसेसर जो है ना अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो अपने भाई को थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर इफिशियंसी, इन दोनों प्रोसेसर में से पावर इफिशियंसी किसकी अच्छी है। वैसे तो इन दोनों की पावर इफिशियंसी बहुत लाजवाब है, आपको कोई भी मायूस नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट, इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आईफोन्स की जो बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड, लेकिन उसका जो बैटरी का बैकअप होता है वो अच्छा मिलता है अगर हम एंड्रॉयड फोन से कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई एप्पल की जो पावर इफिशियंसी जो प्रोसेसर में है वो अच्छी से जो है ना काम करती है एज कंपेयर टू 8 एलीट या फिर किसी भी एंड्रॉइड फोन से, ठीक है ना। क्योंकि आप उसके अलावा ये खाली जो है ना, मैं आपको बैटरी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको रैम का जो ना एग्जांपल देता हूं। आईफोन में हमें मैक्सिमम जो रैम देखने को मिलती है ना वो होती है 8GB तक, तो अभी एंड्रॉइड में हमें 16GB 20GB तक भी रैम जो है ना देखने को मिलती है दोस्तों, अंदाजा लगाएं आप। और उसके अलावा अगर हम वर्चुअल रैम को मिलाएं ना तो आप जो है ना 50GB 60GB तक भी जा सकते हैं, लेकिन आईफोन में हमें 8GB रैम मिलती है और उसी में सब कुछ जो है ना अच्छे से हो जाता है। इसीलिए बैटरी वगैरह ये सारी चीजें आईफोन में अच्छी होती हैं। तो पावर इफिशियंसी में डेफिनेटली क्लियरली एप्पल को जो है ना मैं बोलूंगा कि एप्पल इज द विनर। दोस्तों सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं सीपीयू परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों, अभी सीपीयू में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंगल कोर, दूसरा होता है मल्टी कोर। दोस्तों अभी सिंगल कोर क्या है मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ। सिंगल कोर है कि भाई अगर आप अपने फोन के ऊपर एक टाइम पे एक काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो रेंडरिंग करते हैं और मतलब आप वीडियो अगर रेंडरिंग कर रहे हैं तो उसको आप जो है ना सेव करेंगे तो आप एक टाइम पे एक काम करेंगे, तो उस मामले में भाई सिंगल कोर में एप्पल जो है ना जीत जाता है 8 एलीट से। लेकिन दोस्तों ठहरो, कहानी जो है ना बदलती है मल्टी कोर के ऊपर। जो मल्टी कोर है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मल्टी कोर क्या चीज है। मल्टी कोर दोस्तों मल्टी टास्किंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक से ज्यादा काम करते हैं तो उसको जो है ना मल्टी टास्किंग बोलते हैं। अगर आपने एंड्रॉइड फोन में मल्टी टास्किंग की हो, आप देखिए वहां पे आप जो है ना दो स्क्रीन जो है ना बना सकते हैं, एक के ऊपर आप यूट्यूब चला दे, दूसरे के ऊपर आप जो है ना ब्राउजिंग कर लें, चैट कर लें, व्हाट्सएप पे फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी आप कर लें सेम टाइम पे आप एक से ज्यादा जो काम करेंगे उसको मल्टी टास्किंग बोलते हैं। ये जो मल्टी कोर की जो पावर होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये गेमिंग में काम आती है। तो अभी स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर है एप्पल के A18 प्रो चिपसेट से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि A18 प्रो में जो है ना गेमिंग अच्छी नहीं देखने को मिलती, बहुत जबरदस्त है, नेक्स्ट लेवल है, लेकिन दोस्तों 8 एलीट में उससे भी अच्छी देखने को मिलती है। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार एप्पल तो किंग है, ये है वो है, भाई अभी गेम थोड़ी चेंज हो गई है, जब आप जाओगे एंड्रॉइड के ऊपर आप गेमिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 8 एलीट गेमिंग में आईफोन से बेटर परफॉर्म कर। दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं AI परफॉर्मेंस। जी हां दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भैया ना गूगल ने अपना पिक्सल 9 सीरीज लॉन्च किया था तो गूगल को 16GB की रैम जो है ना देनी पड़ी थी, वो इसलिए क्योंकि जहां पे जो AI की परफॉर्मेंस है वहां पे सॉफ्टवेयर का मेन रोल होता है। और सॉफ्टवेयर के मामले में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जहां पे सॉफ्टवेयर की बात होगी वहां पे एप्पल जो है ना विन कर जाएगा। वो क्यों, क्यों अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एप्पल में जो AI के फीचर है वो ज्यादा है, नहीं, एंड्रॉइड में AI के फीचर बहुत ज्यादा है, एप्पल में बहुत कम है, लेकिन AI के फीचर को परफॉर्म करने के लिए जो परफॉर्मेंस है उसकी वो हमें A18 प्रो चिपसेट में अच्छी देखने को मिलेगी। क्योंकि एप्पल के आईफोन्स में प्रोसेसर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो इंटीग्रेशन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना अच्छा है कि वहां पे AI की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू एनी एंड्रॉइड फोन्स। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी में वाईफाई, ब्लूटूथ, कोई भी आप नेटवर्क यूज करते हैं उसके सिग्नल, ये चीजें आती हैं। और दोस्तों आप जानते हो या ना जानते हो, जो कनेक्टिविटी का जो मोडेम लगता है किसी भी फोन में वो क्वालकॉम बनाता है। तो स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है उसमें क्वालकॉम अपना मोडेम यूज करता है और इसी की वजह से एंड्रॉइड फोन में हमें कनेक्टिविटी, नेटवर्क, सिग्नल, ये चीजें जो है ना अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू आईफोन्स।
और ये रियलिटी है, कुछ आईफोन यूजर नहीं मानेंगे, नहीं भाई आईफोन में अच्छी है, लेकिन उन्होंने एंड्रॉइड यूज नहीं किया होता इसलिए उनको पता नहीं होता है। आप खुद रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी जो क्वालकॉम खुद बनाता है अपने मोडेम में, जो यूज करता है, जो एंड्रॉइड में यूज होता है दोस्तों, वो बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू A18 प्रो या फिर किसी भी आईफोन से। तो अभी हम आते हैं जो ना रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्पल की A18 प्रो चिपसेट के बारे में। दोस्तों A18 प्रो चिपसेट जो है ना विन कर जाती है बैटरी में, वीडियो रेंडरिंग में, AI की परफॉर्मेंस में, और दोस्तों उसके अलावा डेली टास्क में आपको A18 प्रो चिपसेट जो है ना अच्छा परफॉर्म करती है। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट की, तो दोस्तों वो जो है ना बेटर जो है ना कर पाता है मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, कनेक्टिविटी में, ये चीजें हैं दोस्तों। ये प्रोसेसर जो है ना, ऐसा नहीं कि ये प्रोसेसर जो अभी जो मैं 8 एलीट की चीजें बता रहा हूँ वो जो है ना A18 प्रो नहीं कर पाता है, वो भी कर पाता है। इन दोनों में 19-20 का डिफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों बहुत पावरफुल हैं, बहुत जबरदस्त जो है ना प्रोसेसर हैं। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।